आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों को तो इस सरकार का बैकआउट करना चाहिए। जब जेल जेल में जो है अपराधी मार दिए जाते हैं और जेल से जो है खुलेआम पत्रकारों को धमकी दी जाती है। कहा ये सारे चोर जो है निकल रहे हैं, पैसे पकड़ा रहे हैं, कहीं 20 करोड़, कहीं 25 करोड़, कहीं 50 करोड़, और उन्होंने जो है गलत ढंग से पैसे कमाए हैं। ये केवल 2-3 महीने का सवाल है, जब तीसरी बार माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जनता जब इस चीज़ को मान चुकी है कि न खाएंगे न खाने देंगे, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ये जितने हमला करने वाले लोग हैं वो सब घर के अंदर से दिल में घुस रहे हैं। रांची में पत्रकारों पर जेल से धमकी मिलती है और FIR भी होता है, इसको लेकर के क्या कुछ कहिए? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या होता है? और उसी अपराधी के कहने पर जो है पत्रकार के ऊपर, संपादक के ऊपर जो है FIR हो जाता है, यही दिखाता है। आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों को तो इस सरकार का बैकआउट करना चाहिए। जब जेल जेल में जो है अपराधी मार दिए जाते हैं और जेल से जो है खुलेआम पत्रकारों को धमकी दी जाती है, अब इससे ज़्यादा जो है लोकतंत्र पर प्रहार क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है कि सभी पत्रकारों को सरकार के न्यूज़ का बैकआउट करना चाहिए और केवल अपोजिशन के न्यूज़ को ही दिखाना चाहिए। कल में ही है कुछ अभी क्या कारण है इनको आवास नहीं मिला पार्टी के? आपको लगता है ना बगल में जो है बनवास मिला है? पूछ लीजिए, मैं तो पहली बार मिला हूँ नए साल में, खुश है। और मैंने देखा है कल ही रात वीडियो देखा मैंने, इस आदमी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पहला कार्यकर्ता जो सबसे आगे होगा वो पवन साह होगा, यही लिखा ना, यही दिया ना, कि और इसके अलावा भी कुछ बोल रहा है? नहीं सर। और ये खेती गृहस्थी करता है तो मान लीजिए कि मोदी जी चाय बेचते हुए देश के प्रधानमंत्री हुए तो वो पार्ट देश के लिए काम कर रहे हैं। इसको खेती है, ये सब्जी बेच रहा है, इसमें कौन सा गलत काम है? क्या पवन जी क्या कहिएगा? साथ साथ ही सामने है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी। हम ज्यादा तो बोलेंगे नहीं। माननीय सांसद जी, वो जो न्यूज चला था चरण धोने वाला, वो तो हमारे साथ वादा था, मैंने वादा को पूरा किया। और मीडिया में ये बात आ रही है कि आप खेती कर रहे हैं, तो मेरे पास 20 बीघा जमीन है और उस 20 बीघा में हम ऑर्गेनिक कोई चीज़ में मैं खाद नहीं डालता हूँ, नहीं तो पता कीजिए, मैं कोई चीज़ में खाद नहीं डालता हूँ, गोबर है। अब ये जो है नहीं, आवास को लेकर, आवास को लेकर बात हुआ था, आवास लेकर बोले थे मिला नहीं, आवास की मुझे पास मतलब जरूरत नहीं है, मेरे पास आवास, मैं अपने जो है जमीन को बेचकर खुद मैं मकान बना लिया और मुझे आवास की कोई जरूरी नहीं। किसी गरीब को, किसी गरीब कार्यकर्ता को मिले तो उससे हमको खुश मिलेगा।